हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस, आप सब जानते हैं कि यार क्वारंटीन की वजह से जो AMD के काफ़ी इवेंट्स हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं। पर इसी बीच में AMD ने अपने जो प्रोसेसर से 3300X और 3100 को ऑफिशियली जो है लॉन्च कर दिया है। और जो हमारा 3300X है, जी हाँ, हमारा लाइनस भैया ने वीडियो बनाई थी कि जो 3300X जो CPU है जो AMD की तरफ से आता है, राइजन 3 थर्ड जनरेशन वाला, वो एक कोर i7 सेवन जनरेशन को इजीली बीट करता है गाइस। जी हाँ, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोर i7 सेवन जनरेशन है या फिर कोर i7 6 7 जनरेशन का कोई CPU है तो वो उस प्रोसेसर को इजीली बीट करता है गाइस। गाइस, आप सब जानते हैं कि कोर i7 सेवन जनरेशन वाले की जो प्राइस 27-28 हज़ार का CPU और एक AMD का 10 हज़ार का CPU उसको बीट कर रहा है। सो गाइस, वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या सीन है और क्या नहीं है। सो गाइस, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तो मेरे चैनल पर बात होती है पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आप लोग का भी इंटरेस्ट है पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, देरी नहीं करेंगे एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, हम सब जानते हैं कि राइजन 3 3300X लॉन्च होने के बाद मार्केट में बहुत तगड़ी हाई फैल चुकी है, क्योंकि वो जो प्रोसेसर है अपने ही सेगमेंट के अपने ही भाई को यानी कि राइजन 5 3500 को भी बीट कर रहा है वो प्रोसेसर। और वो प्रोसेसर आपको एक प्रॉपर क्वाड कोर CPU जिसमें 4 कोर 8 थ्रेड मिल जाता है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, उसमें क्या CCXX जो है उसकी जो चारों जुड़े हुए CCXX जो उसके हैं वो चारों जुड़े हुए बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। राइजन 3 3300X जो है उसकी बूस्ट क्लॉक्स इतनी अच्छी हैं कि उस वजह से वो इजीली उनको बीट कर रहा है। उसकी IPC भी बहुत अच्छी है, वो इजीली कोर i7 को बीट कर रहा है। आपको स्क्रीन पे देखी क्या होगा कि दोनों प्रोसेसर में क्या क्या कौन कितना गीगाहर्ट्ज का कौन क्या, आप इजीली स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने कंपेयर साइड बाय साइड किया हुआ है और कुछ बेंचमार्क्स भी मैं आपको डिस्प्ले करूंगा कि यार ये प्रोसेसर जो है वो कितना i7 को बीट कर रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है। अब बात आती है कि यार राइजन 5 3500 लेना चाहिए या राइजन 5 1600 लेना चाहिए या राइजन का कोई अदर 10 11 हज़ार का लेना चाहिए। तो आपको ये रिकमेंडेड करूंगा, अगर आप एक प्योर गेमिंग पीसी की तरफ देख रहे हैं तो आप एक राइजन 3 3300X लगाइए। मतलब मौत परफॉर्मेंस है यार उस CPU की, मतलब पता नहीं क्या ही है। अब ये जो अभी इसकी प्राइस जो 11,000 rupees ऑन MD कंप्यूटर्स पे है, क्योंकि क्वारंटीन की वजह से 11,000 में अभी थोड़ी प्राइजेस हाई चल रही हैं, तो आपको ये बोलूँगा कि क्वारंटीन हटने के बाद ये कुछ 10,000 के आसपास मिलने लगेगा। तो एट पर्टिकुलर दिस प्राइस पॉइंट दिस इज द बेस्ट CPU एवर आउट ऑफ द मार्केट। मतलब इस CPU का जवाब ही नहीं रहेगा, इतना शानदार CPU रहेगा। और लाइक AMD ने जैसे इसकी प्राइसिंग रखी है ना, तो i7 का तो भैया मतलब पत्ता कट। अब जिसके पास कोर i7 सेवन जनरेशन है ना, अगर वो सेकंड हैंड भी बेचेगा ना तो वो 5 6 हज़ार से महंगा नहीं बिकने वाला। 27,000 का CPU सेकंड हैंड मार्केट में 5 6 हज़ार में बिकेगा इंटेल का, समझ सकते हो इतनी बुरी हालत कर दी है इंटेल की। सो गाइस, यही है आपको क्या करना है। अगर आप एक गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हो लाइक बजट वाला, तो आपने थोड़ा रुकना है क्वारंटीन के बाद। आपको एक राइजन 3 3300X लगाना है आपको अपने PC में, अगर आप प्योर जो है गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हो तो। मैं राइजन 5 3500 भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, 6 कोर 6 थ्रेड का है और राइजन थर्ड जनरेशन का है, क्योंकि उसमें CCXX जो कोर्स है उसका फ़र्क है, उसका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। राइजन 3 3300X है वो ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, आपको सारा डिस्प्ले पे देख ही रहा होगा जैसा कि आप सब जानते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो गाइस, आप वैसे समझ ही गए होंगे कि क्या है और क्या नहीं। ये शॉर्ट वीडियो है, कुछ ज़्यादा लॉन्ग मैं आपको नहीं बताऊँगा। अगर आपको पूरा लॉन्ग इसके बारे में जानना है तो नीचे मुझे कमेंट बिलो डाउन करके बताइए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगले आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा कि यार कौन सा राइजन CPU आपके लिए बेस्ट है। सो गाइस, आज की वीडियो इतने ही थी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, पीस।